भारतीय जनता पार्टी ने हर विवाहित महिला को प्रतिवर्ष 12,000 का प्रत्यक्ष लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की घोषणा की है। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के बीच इसका व्यापक असर हो रहा है। दर्री के नगईखार इलाके में योजना का पंजीयन किए जाने की खबर मिलने पर इसकी शिकायत कर दी गई। तहसीलदार ने मौके पर पहुंच प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित काफ़ी फार्म जब्त किए हैं। इस मामले में किस तरह की कार्रवाई की गई है इसे लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। विधानसभा चुनाव के मतदान के ठीक पहले अब राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और उनके समर्थक एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलने में लगे हुए हैं। इसके अंतर्गत हर तरफ अवसर की तलाश की जा रही है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कई बिंदुओं को शामिल किया गया। इसी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी एक आयाम शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत हर परिवार की विवाहित महिलाओं को प्रत्येक महीने 1,000 रुपये के हिसाब से वर्ष में 12,000 रुपये का प्रत्यक्ष लाभ दिया जाना तय किया गया है। इस प्रकार के मुद्दे चुनाव में काफी असर करते हैं। महिलाओं के बीच प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को प्रचारित करने और फॉर्म भरे जाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता सभी क्षेत्रों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के द्वारा इस पर आपत्ति जताने के साथ शिकायत की गई, जिस पर प्रशासन के अधिकारी हरकत में आए। जानकारी के अनुसार दर्री इलाके में तहसीलदार ने वार्ड नंबर 32 नगोईखार में पहुंचकर काफी संख्या में फार्म जब्त कर लिए। इससे पहले कोरबा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जांच कार्रवाई के दौरान नकदी रकम, सोने चांदी के सामान से लेकर साड़ी और कंबल जब्त किए गए हैं। प्रशासन ने बताया कि कुल 18 स्थानों पर चेक पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर आने जाने वाले वाहनों और संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कोरबा।